आयतन के अंतर्गत प्रश्न विद का क्वेश्चन नंबर 8 पर है कि अगर एक कोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार है और बायां भाग शंकुनुमा एक आकृति है जिसमें एक भाग तो है बेलनाकार और एक है शंकुनुमा। देखिए सॉल्यूशन डायग्राम बनाने का बेलनाकार है और शंकुनुमा बेलन का व्यास कितना है 14 सेमी। बेलन की लंबाई कितनी है 40 सेमी और शंकु का व्यास 14 सेमी। दोनों का सेम ही कितना है 14 सेमी और उसकी ऊंचाई कितनी है 12 सेमी। क्या है 12 सेमी। तो इस ठोस का आयतन याद कीजिए, इसका मतलब बेलन प्लस शंकु। ठोस का आयतन बराबर ठोस का आयतन याद करना है, इसका मतलब इस ठोस के अंदर कौन कौन है, एक बेलन है और एक शंकु है। तो ठोस के आयतन में हमें याद करने के लिए बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दोनों का योग करेंगे तो ठोस का आयतन याद हो जाएगा। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों मार्ग नहीं है, साथ साथ हो जाएगी, व्यास की क्या हो जाएगी साथ साथ, व्यास दोनों का 14 है तो दोनों में समान है। पाई आर कॉमन ले लें, एच प्लस एच बटा टी, एच प्लस एच बटा टी। अब देखिए 22/7 दोनों में व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है व्यास दोनों का 14, तो दोनों की त्रिज्या क्या हो जाएगी व्यास की आधी 14/2 कितना बन गया 7, कितनी बन गई 7, व्यास की आधी त्रिज्या, व्यास की आधी त्रिज्या। अब देखें आर का मान 7 × 7, एच का मान बेलन का एच 40 सेमी और शंकु का एच 12/3 1 × 7 = 22 × 7, 3 × 12 = 4 × 40 + 4 2 × 22 × 7 × 40 + 4 = 7 × 22 = 154 × 44 154 × 44 4 × 16 4×20 में 21 2 4×4 = 6। अब करिए वापस 4×6 = 6 6×7 = 6 तो मतलब 6776 cm³, 6776 cm³ उस ठोस आकृति का आयतन, उस ठोस आकृति का आयतन। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए विविध का क्वेश्चन नंबर 9, विविध का क्वेश्चन नंबर 9। विविध का क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 9 सेमी त्रिज्या के धातु, 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले, धातु के धातु 9 सेमी त्रिज्या के
आयतन का भाग दे दे तो क्या बनेगा? शंकुओं की संख्या। गोले का आयतन 4/3 πr³/, शंकु का आयतन 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बच गया 4r³/r²h। निचली चौड़ाई के 3 जो ऊपर आएगा ऊपर जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब रखें 4, गोले की त्रिज्या कितनी है? 9, तो r³ 9×9×9 बट्टा r² शंकु की त्रिज्या कितनी है? 3 r³×3 ऊंचाई कितनी है? 6 ऊंचाई कितनी है? 6 काटे 3×3 9 3×3 9 3×9 3×6 3×6 2×1 2 2×4 देखिए 2×3×3×3 3×3 9 9 27 27×54 कितने शंकु बनेंगे? 54 शंकु बनेंगे। उस घोड़े से कितने 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर और 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जाएंगे? 54 शंकु बनाए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका, एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 4000। उसको प्रतिदिन, उसको प्रतिदिन, प्रतिदिन प्रत्येक, प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति 150, प्रत्येक व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। एक व्यक्ति को प्रत्येक दिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में, इस गांव में, इस गांव में 20 मीटर × 15 मीटर × 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी है, माप वाली टंकी बनी है, कितने 20 × 15 × 6 मीटर माप की एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? कितने दिन के लिए प्राप्त होगा? अब देखिए सॉल्यूशन क्या देता है। गांव की जनसंख्या कितनी है? गांव की जनसंख्या कितनी है? 4000 लोग हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कितना पानी चाहिए? 150 लीटर। प्रत्येक व्यक्ति को कितना पानी चाहिए? 150 लीटर। अब टंकी का माप यह है, टंकी का माप क्या दे रखा है? 20 मीटर 15 मीटर और 6 मीटर। 20 मीटर 15 मीटर और 6 मीटर माप की टंकी बनी, टंकी के पानी में कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? देखिए तो पहले तो टंकी का माप, टंकी का माप, माप क्या है? लंबाई कितनी है? 20 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर। और ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। तो टंकी का आयतन, टंकी का आयतन L×B×H, L×B×H 20×15×6। देखिए 20
देगा। क्या करें कि एक व्यक्ति का देह है और टंकी का आयतन कितना है? 18,000। एक का देह रखना है, 4,000 लोगों का चाहिए, तो क्या करें? पहले एक दिन से 4,000 लोगों का निकालें, एक दिन के लिए। एक दिन के लिए पानी की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता, एक दिन के लिए कितना पानी चाहिएगा? एक दिन के लिए एक व्यक्ति को चाहिए 150 लीटर। कितना चाहिए? 150। कितने व्यक्ति है? 4,000। 4 से गुणा कर दें, 64, 64, 15, 15, 15, 30, 45, 64, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये आया लीटर। किसमें आ गया? लीटर में। अब देखें, एक दिन के लिए पानी की आवश्यकता होगी 60,000 लीटर की, और टंकी का आयतन है 1800 मीटर क्यूब बटा 60,000। भाग दो तुम्हें एक दिन का, एक दिन का भाग दो तो आ जाएगा पानी की कितने दिन चलेगा। एक दिन का भाग दिया, एक दिन में इतना पानी वेस्ट हो रहा है। हाँ मैं मालूम है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। कितना होता है? 1000 लीटर। देखिए 1800 मीटर क्यूब को मैंने लीटर में चेंज कर दिया, क्योंकि ये भी आपके किसमें है? लीटर में। ये आ गया आपका 1000 बटा 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 3 18, 6 3 18। तो वो पानी कितने दिन चलेगा? 30 दिन। गांव वाले पानी पी सकते हैं। उस टंकी का कितने दिन के लिए पानी चलेगा? 30 दिन के लिए पानी चलेगा।